8923, नोटा 8443, तो इस तरह 8443, तो इस तरह हतमी नतायज के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आजाद अहमद जान ने 41162 वोट लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में अपनी जीत दर्ज की है। जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, जो बर्बरियत हुई, जो यहाँ जबर और तोगियान की चक्की चली और जिसके खिलाफ मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रही है, ये उसका नतीजा है कि आज इंशाल्लाह ताला मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है। और मेरा वो चैलेंज जिसमें मैं जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट के तशखस को तैतेक किया, जीरो जबर किया और हाउस अरेस्ट के बाद मैं मेंढर में पहली बार आया था, तो मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को चैलेंज किया था कि देश के प्रधानमंत्री साहब, अगर आपने अखला की जरूरत है आप इलेक्शन करवाइए और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़िए। आज मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पब्लिक ने और अल्लाह तबारक ताला ने मेरा वो चैलेंज, उसमें मैं कामयाब हो गया। आज मोदी साहब की जमात जो है उसका जम्मू कश्मीर से सवाया हो गया है और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि पीर पंजाल से हमने उसको लखनपुर कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि ये जीत डेमोक्रेसी की है, ये जीत यहाँ के जी शहूर वोटर्स की जीत है जिन्होंने मेरे साथ दिन रात लगाए। इतनी बड़ी साजिशें होने के बावजूद, इतनी बड़ी कंस्पिरेसी होने के बावजूद और यहाँ जो हमारे जो मखालफ तंजीमें थी, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि RSS और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की ज़मीर खरीदने की कोशिश की। मैं हमेशा ये कहता रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग और पर्टिकुलरली खिताए पीर पंजाल के, यहाँ का गुजर, यहाँ का पहाड़ी ज़मीर फरोश नहीं है, उन्होंने अपने ज़मीर का फैसला किया है और आज इंशाल्लाह ताला हमें भारी जीत हुई है। वो मैं ये क्रेडिट जो है ये लोगों का दूंगा, नौजवानों का दूंगा और मेरी माएँ मेरी बहनें जो मेरे साथ चलती रही उनको मैं ये क्रेडिट दूँगा। थैंक यू।